हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू आवर न्यू वीडियो ऑन डेली न्यूज टेलर। सो आज हम डिस्कस करेंगे आदित्य L1 मिशन टू सन के बारे में, जो कि इसरो ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया इसका लॉन्च। सो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट अबाउट दिस मिशन, क्या क्या इस मिशन में होगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर डेली न्यूज एंड करंट अफेयर अपडेट्स एंड फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। सो चंद्रयान 2 मिशन के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इसरो ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि उनका नेक्स्ट मिशन होगा, वो होगा सोलर मिशन का, जिसका नाम होगा आदित्य L1। सो ये मिशन का भी कोई फाइनल डेट नहीं आया है, इसकी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई कि कब लॉन्च होगा कब नहीं होगा। बट दो ये लॉन्च होगा शायद अर्ली 2020 में, इसरो ने ऐसा कहा है, मतलब कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 में इसका हमें लॉन्च देखने को मिल सकता है। और ये इंडिया का पहला सन मिशन होगा कोई, जिसमें हम सन की स्टडी करेंगे। सो लेट्स डिस्कस कि इस मिशन में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या इसमें पेलोड यूज होंगे, फुल डिस्कशन करेंगे, पूरा वीडियो देखना। तो अब डिस्कस करते हैं कि इस मिशन का मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। सो बेसिकली इस मिशन का मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है टू स्टडी द कोरोनास ऑफ सन। अब कोरोना क्या होता है? सो बेसिकली कोरोना एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है क्राउन, बट इन केस ऑफ दिस कोरोना एक प्लाज्मा ऑरा होता है। एक ऑरा एक होता है ना, जैसे हम कहते हैं किसी पर्सन का ऑरा पॉजिटिव है, मतलब वो पॉजिटिव वाइब रिलीज करता है। सो बेसिकली सन भी एक प्लाज्मा ऑरा, मतलब एक प्लाज्मा लेयर एक रिलीज करता है वो। सो हम उसी चीज की स्टडी करेगा आदित्य L1 हमारा सैटेलाइट। मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा, और भी चीजों की स्टडी करेगा बट मेन ऑब्जेक्टिव उसका यही होगा कि टू स्टडी कोरोना ऑफ द सन। अब कोरोना आखिर होता कैसा है, मतलब ये कोरोना आपने अगर कभी अपने सूर्य ग्रहण मतलब सोलर एक्लिप्स देखा हो, मतलब कभी, तो उसमें आपको ने देखा होगा कि ऐसे कुछ एक रेडिएशन से निकलती होगी सन से, एक लेयर फॉर्म होता होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स। सो अब यही होता है कोरोना जो हमारी नेकेड आइज देखती है। अब जो जो कोरोना की स्टडी करता है जो डिवाइस, उसे कहते हैं कोरोनाग्राफ। सो कोरोनाग्राफ कुछ सन का ऐसे देखता है। सो ये बीच में ये सन है और ये सारे कोरोना से जो प्लाज्मा रिलीज होते हैं सन में से। सो बेसिकली कोरोना सन में ही नहीं, बाकी सारे जितने भी प्लाज्मा स्टार्स होते हैं सब में रिलीज करते हैं, सब रिलीज करते हैं ये। सो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू स्टडी दिस। सो अब हम देखते हैं कि हमारा जो आदित्य L1 सैटेलाइट है वो कहाँ प्लेस्ड होगा इन स्पेस। सो डिस्कस करते कि हमारा आदित्य L1 सैटेलाइट आपके पोजिशन कहाँ होगा। सो बेसिकली आप इधर देख सकते हो कि 4-5 पॉइंट्स है, एक L1 है, एक L2 है, एक L3 है, एक L4 है, एक L5 है। सो हमारा आदित्य L1 जो होगा वो पोजिशन होगा L1 पे। अब आपको लग रहा होगा कि ये आदित्य L1 इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसकी पॉइंट की वजह से। आदित्य का मतलब होता है सन, और आदित्य मतलब सूरज या सन, और आदित्य एक संस्कृत वर्ड है, और जो L1 है वो इसकी पोजिशन के लिए इसे हमने L1 नाम दिया है। और L1 का मतलब होता है लैग्रांज पॉइंट 1। ऐसे 5 लैग्रांज पॉइंट्स है जिसके आप देख सकते हो L1, L2, ये साइंटिस्ट ने एज अ एक पॉइंट डिसाइड कर रखे अपने हिसाब से। और जो आदित्य L1 को इधर पॉइंट करने का मेन मकसद है, इसको इधर L1 पे पोजीशन करने के दो मोटिव्स हैं। पहला मोटिव ये है कि जो L1 है ना वो सन और अर्थ के बीच में है। सन और अर्थ के बीच में होने से फायदा क्या होता है कि जो सन की ग्रेविटेशनल पुल होगी और जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल होगी ना, ये दोनों इधर आके कैंसिल होते हैं। मतलब अगर इस पोजीशन पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इधर रहता है तो वो फ्लोट करता है, कहीं मूव नहीं करता, वो फ्लोट करता रहता है ड्यू टू ऑफ सन ग्रेविटेशनल पुल एंड अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। तो इसलिए इसको इधर प्लेस करा जिससे कि ये फ्लोट करता रहेगा, होवर स्टेट में रहेगा ये ऑब्जर्वेटरी हमारी, जो सैटेलाइट है आदित्य L1 इधर ऑब्जर्वेटरी ये फ्लोट करती रहेगी इधर। और दूसरा मोटिव ये है कि जो मून है ना उसकी ऑर्बिट से थोड़ा आगे है ये, जैसे आप देख सकते हैं मून ये रहा और इसका ऑर्बिट ये रहा, तो ये देख सकते हो थोड़ा आगे है इससे। इसको आगे इसलिए इसको इधर इसलिए प्लेस करें क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स ये अगर मून इसके बीच में आ जाता है तो फिर हमारी ऑब्जर्वेटरी का मतलब भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मून बीच में आ गया तो हम इसके ऑब्जर्वेशन कर नहीं पाएंगे एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स। सो इसलिए इसको इधर प्लेस करने का इसका ये मतलब था। और ये L1 जो पोजिशन है ना ये 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। और जो हमारा आदित्य L1 सैटेलाइट है उसको लिफ्ट ऑफ करेगा PSLV XL। PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्च व्हीकल सिर्फ सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए बना है और ये लाइट लोड्स को लॉन्च करता है। पहले आदित्य L1 का मिशन का नाम था आदित्य 1,
तब इसमें सिर्फ एक ही पेलोड लगा था जो कि हमने अभी डिस्कस करा था, जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कोरोना ऑफ सन की स्टडी करना, जो कि कोरोनाग्राफी इसमें लगा था सिर्फ एक पेलोड बट फर्दर, और इसका वेट तब था सिर्फ 400 किलो बट अब इसका वेट हो गया 1500 kg, और इसमें 7 payloads इंक्लूड कर दिए आफ्टर द एनुअल बजट ऑफ 2016-17 में इसका एनुअल बजट बढ़ा दिया गया, करीबन 378.86 crores है इसके आसपास ही, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं, आप देख लेना, करीबन इतना इसको बजट मिला। पर अब इसका काम सिर्फ सन की कोरोना को स्टडी करना नहीं है, अब इसका और भी बहुत काम है, अब इसको और भी बहुत सारी चीजें स्टडी करनी है, अभी इसको और अच्छे से इसरो ने वेल बिल्ड करा है कि जिससे अर्थ सॉरी सन की पूरी एटमॉस्फेयर को समझे, सन का पूरा फंक्शनिंग समझे, क्योंकि एक कॉन्ट्रडिक्शन है सन में कि उसकी आउटर मोस्ट जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफी टेम्परेचर है बजाय इनर के। सो ये आदित्य L1 सैटेलाइट उसको स्टडी करेगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि इसमें कौन कौन से पेलोड्स लगे, कौन कौन से वो 7 payloads हैं, उनकी वर्किंग क्या क्या है और उन्हें किन किन ने डेवलप करा है। सो जो पहला पेलोड है वो है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। इसका काम ये है कोरोना की स्टडी करना, कोरोना कैसे वर्क करता है, क्या इसमें क्या उसकी फंक्शनिंग है, और इसको डेवलप करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। और जो दूसरा पेलोड लगा है, और जो ये विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है ना, ये पहले भी था जो आदित्य वन जब इसका नाम था तब भी था ये, और अब इसको और अच्छे से डेवलप कर दिया इसरो ने। और जो दूसरा पेलोड है वो है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट। इसका काम है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है ना नियर सोलर जो मतलब सन की फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर में से, उसकी स्टडी करना। ये है सन की फोटोस्फेयर, ये सरफेस एरिया, ये क्रोमोस्फेयर एरिया, तो इसकी स्टडी करना इसका काम है। और जो तीसरा पेलोड का काम है वो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम है जो विंड पार्ट जो सोलर विंड्स होती है ना, ये होती है सोलर विंड्स, ये सारी सोलर विंड्स है, इनकी स्टडी करना, इनकी प्रॉपर्टीज को पहचानना। और जो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य है, जो चौथा इसका पेलोड है, उसका काम है टू अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन ऑफ सोलर विंड्स, मतलब सोलर विंड्स में क्या क्या मिक्स है, उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, कि किस लेवल पे कितना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने डिस्टेंस पे कितना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो पांचवा पेलोड है उसका काम है, उसका नाम ये है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। उसका काम है एक्सरे फ्लेयर्स की हेल्प से हीटिंग मैकेनिज्म को स्टडी करना ऑफ सोलर कोरोना। ये सारे इर्द गिर्द सारे घूमते हैं कोरोना की तरफ, इनका मेन पॉइंट है कोरोना की स्टडी करना। और जो लास्ट में जो लगा हुआ है वो मैग्नेटोमीटर है, उसका थोड़ा अलग काम है, वो एक्चुअली स्टडी करता है नेचर ऑफ इंटर प्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड को। सो ये है हमारा पूरा आदित्य L1 सैटेलाइट, और ये सारे पेलोड्स में लगे हुए, जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, और ये रहा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये सारे पेलोड जिसमें लगे पड़े हमारे। तो वेरियस इंस्टीट्यूट ने पेलोड डेवलप करे, कुछ इधर नाम ये रहे, जो विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है उसको डेवलप करा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को डेवलप करा इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने, ऐसे काफी सारे इन्होंने डेवलप करे। आपको फर्दर पूरा पढ़ना हो किन किन ने डेवलप करे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके पूरे पढ़ लो। सो दैट्स इट, होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए फॉर डेली न्यूज एंड करंट अफेयर अपडेट्स, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं लाता रहूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।